हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ भेलपूरी। कैसे हम स्ट्रीट स्टाइल भेलपूरी घर पर ही बना सकते हैं, तो आइए बनाते हैं हम भेलपूरी। इसके लिए हमें सामान चाहिए होगा, मुरमुरे, चना दाल नमकीन, खीरा, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और नींबू। इन सबको हमने काट लिया है। अब हम एक बर्तन में कटे हुए प्याज डालेंगे, टमाटर डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे और कटा हुआ खीरा ऐड करेंगे हम इसमें। अब हम इसमें हमने आधा नींबू निचोड़ेंगे। आप जितना खट्टा खाते हैं आप उस हिसाब से नींबू डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे आधा नींबू डाला है। अब हम इसमें मुरमुरे ऐड करेंगे। अब हम इसमें चना दाल नमकीन ऐड करेंगे। आप क्वांटिटी अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितने लोग खाने वाले हैं। लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, नमक ऐड करेंगे हम इसमें। और अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। आप चाहें तो भेलपूरी ऐसे भी खा सकते हैं, इसमें आप चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास हरी चटनी है तो आप हरी चटनी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी खा सकते हैं। मेरे पास हरी चटनी है इसलिए मैं इसमें हरी चटनी डालूंगी। हरी चटनी डालने के बाद हम इसमें टोमेटो केचप ऐड करेंगे, इससे इसका टेस्ट थोड़ा खट्टा मीठा फ्लेवर आएगा इसका। अब अच्छे से मिक्स करेंगे और ये हमारी भेलपूरी बनके रेडी हो गई है। इसके ऊपर से आप आलू भुजिया चाहे तो आप ऊपर से कोई भी नमकीन डाल सकते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही आसान रेसिपी है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।